रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा जो है अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं, हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं। आसिम राजा साहब, नॉमिनेशन आपका हो गया, आजम खान खुद आपके साथ गए थे और ये वो सीट है जिसपे आजम खान 10 बार विधायक बने हैं, कितना बड़ा इम्तहान है और किस तरह से आप चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं? अब रामपुर के लोग आजम खान से अपना जो ताल्लुक और रिश्ता रखते हैं और आधी सदी से, लगभग 45 साल से आजम खान साहब रामपुर में जो मोहब्बतें बांट रहे हैं और उन्होंने रामपुर के लिए जो कुछ किया है लोगों के सामने हैं, ये रिश्ते बड़े मजबूत हैं। 10 बार यहाँ से आजम खान साहब को विधायक चुना है। आजम खान के रिश्तों का आपको फ़ायदा मिलेगा? मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, आजम खान साहब का इलेक्शन है ये, मैं तो एक वर्कर हूँ, एक चेहरा हो सकता हूँ, किसी को होना था, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे ये जिम्मेदारी दी, इलेक्शन तो आजम खान साहब का है। 10 बार ये शहर और उनके चाहने वाले आजम खान साहब को विधायक बना चुके हैं, 11वीं बार भी वो बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा है, कितना बड़ा मुकाबला आप मानते हैं भाजपा से अपना? वो पहले भी उतार चुके हैं, कोई नहीं है, और राजनीतिक पार्टी जिसको चाहे उतारे ये उसका अधिकार है, लेकिन आजम खान का ये शहर है, आजम खान की ही जीत होगी इंशाल्लाह। भाजपा ने मुस्लिम पसमानदा वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर पसमानदा सम्मेलन भी किया, आपको लगता है कि इससे कुछ मुस्लिम वोट जो है भाजपा की तरफ जा सकता है, ये एक चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, पसमानदा सम्मेलन जो हुआ वहाँ क्या था ये भी आपने देखा, बाहर के लोग थे या टोपियाँ पहनाकर, जाली की टोपियाँ पहनाकर बिठा दिया गया लोगों को, कोई नुमाइंदगी नहीं थी इसमें रामपुर की, इसमें कोई नुमाइंदगी नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी में एक नेता है मुन्ना मशकूर, उन्होंने आज नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया, उन्होंने हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं और सिंबल मांग रहे हैं, सपा का प्रत्याशी बनना चाहते हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, इस विरोध को कैसे निपटाएंगे? नहीं, ये कोई विरोध नहीं है, मुन्ना मशकूर हमारे साथी रहे हैं और हैं, अभी 4 महीने पहले उनको MLC का इलेक्शन पार्टी ने लड़ाया है, तो वो पार्टी के साथ हैं, रहेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारी अभी नॉलेज में है। मना लिया जाएगा अगर वो नाराज़ है तो? कहाँ नाराज़ हैं, मुझे तो नहीं लगता नाराज़ है। उन्होंने हमसे बात करते हुए ये नाराज़गी जाहिर की और वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने तो और अच्छा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है जो रामपुर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा कि नो बॉल पर जो है आउट हो चुके हैं आजम खान, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन आउट हो चुका है और BJP ने किसको आउट किया है नो बॉल पे, आप ये देख रहे हैं कि अब उनके पास क्या है, जो खुद के ये बात कह रहे हैं, अब उनके पास कौन सा राजनीतिक हैसियत है उनकी? आजम खान तो एक बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, जो इन हालात में भी जो उनके लिए पैदा कर दिए गए हैं सरकार ने और उनके मुखालिफों ने, जो फर्जी कार्रवाइयाँ करके और जो कानून का सहारा आपके साथ नॉमिनेशन कराने के लिए, आजम खान आज भी मजबूती से खड़े हुए हैं। आजम खान एक बहुत मजबूत शख्सियत का नाम है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, रामपुर में ज़मीन जो ये बात कह रहे हैं उनकी है या आजम खान साहब की है? आजम खान साहब ने अभी 4 महीने पहले 5 महीने पहले 55,000 वोटों से ये सीट जीती है, तो फिर कौन उखड़ा, नो बॉल पे कौन गया, आजम खान गया क्या? भाजपा प्रत्याशी ने तो शिकायत चुनाव आयोग से कल ये कर दी है कि आजम खान को क्योंकि सजा हो चुकी है तो इसलिए उनका जो वोट देने का अधिकार है वो भी ख़त्म किया जाए। ये तो एक मखसूस ज़हनियत है, देखिए ये है, रामपुर के लोगों को सोचना चाहिए कि ये नफरतें कहाँ तक जा रही हैं। आजम खान जिन्होंने इतना लंबा उनका सियासी करियर, इतनी उन्होंने रामपुर की खिदमत की है, उनका मुखालिफ भी हमेशा एहतराम से अदब से उनका नाम ले रहा है, लेकिन जिसने ये बेड़ा उठाया है और उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है फर्जी बातों पर, उन्होंने सारी सीमाएँ लांघ दी हैं मुखालिफत की, उन्होंने अगर कोई लेटर लिखा है तो वो जाने इलेक्शन कमीशन जाने। जीत के लिए अपनी कितना मुतमईन हैं आप और कितनी बड़ी जीत होगी? जीत होगी, हमेशा इस सीट पर आजम खान साहब की जीत रही हुई और इंशाल्लाह अब भी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मुतमईन हैं अपनी जीत को लेकर के आसिम राजा, उनका कहना है कि आजम खान के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे और आजम खान का जो काम रहा है उसके बल पर जनता उनको वोट देगी। वैदुर्रहमान, ABP गंगा, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।